हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट में मिलने वाली दही चटनी की रेसिपी, जिसको हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। चटनी के लिए कुछ सामान निकाला है हमने, जिसमें हमने 200 ग्राम के करीब दही लिया है। दही को अच्छे से हमने फेंट लिया है। इसमें हमने कटा हुआ हरा धनिया लिया है, जिसको हमने डंडी के साथ लिया है एक मुट्ठी भरकर, और 2 हरी मिर्च ली हैं, 5 हमने कलियां ली हैं लहसुन की, 1/2 चम्मच हमने पिसा हुआ जीरा लिया है, 1/2 चम्मच मैंने कारा नमक लिया है और थोड़ा सा वाइट नमक लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम पीस लेंगे। इसके लिए मैंने जार लिया है, सारी चीज़ों को इसके अंदर डाल लेंगे। सारे मसालों को हमने जार के अंदर डाल लिया है, तो इसके अंदर हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, दही डालेंगे। हम इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। दही हमें सारा नहीं डालना है, अगर हम दही डालकर चटनी को पीसेंगे तो दही पतला हो जाएगा, फिर चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। चटनी हमारी अच्छे से पिस गई है, इसका फाइन पेस्ट हमने बना लिया है, तो इसको हम दही के अंदर ऐड करेंगे। दही को अच्छे से एक बार और फेंट लेंगे, फिर इसके अंदर हम जो चटनी पीसी है हमने इसमें ऐड कर देंगे। सारी चटनी को हम इसमें मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 नींबू लेंगे, 1/2 नींबू का रस डालेंगे इसके अंदर, इससे इसका अच्छा फ्लेवर आता है। नींबू डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चटनी हमारी तैयार है। इसको हम सर्व कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में मिलने वाली चटनी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इसको पकौड़ों के साथ सर्व कर सकते हैं, फ्राई के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ बहुत ही टेस्टी बनती है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो आपको हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।